Happy birthday to हेलो तो फ्रेंड तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो वेलकम होगा सबका मेरे चैनल रोड साइड रोड के। अच्छा उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम हो चुका है। अच्छा मैं सोया था तो सोया अभी उठा हूँ, एक घंटे की ब्रेक हुई थी तो मैं सो गया था। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो अभी जाके फेस वगैरह धोते हैं और जल्दी जल्दी काम पे चलते हैं, क्योंकि अगर लेट हो गए तो मामू बहुत ज़्यादा बोलेंगे। अच्छा तो लोग चैनल पर आए सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। चलो जी गाइस, तो अभी मैं काम पे आ चुका हूँ तो ये मेरा थोड़ा सा काम रह गया था डोर वगैरह लगाने वाले, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया सारा जो ये जो मैं मरमर बना रहा था। तो अभी मुझे लगी हुई है भूख बहुत ज़्यादा, तो बस ये इनको सिलिकॉन वगैरह लगा के तो फिर कुछ खाने के लिए लेने चलते हैं। ये देखें जी, ये वो मुस्कलैन हमारे मालिक के बेटे को पैसे दे रहे हैं। आए आए क्या चाहिए, खुशमियाँ खुशमियाँ ये बोल नहीं है रहा, पहले चुप ही नहीं था कर रहा, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो ये चुप हो गया है। ये देखे भाई देखिए रूबा रूबा बस रूबा बस रूबा जी गाइस, तो अभी हम शॉप पे आ चुके हैं, ये सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं फ्रूट चाट जीरो गाइस। जिस तरफ का हमारा लहम लग रहा है, तुर्की शवारमा इसको कहते हैं लेकिन इराकी इसको लहम कहते हैं जी। जी गाइस तो अभी लेके आ चुके हैं लहम। मज़ा आया बाबा जी, मज़ा आया। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी यार, सो के उठ के मैं सीधा काम पे आ गया था, आज खाना भी नहीं खाया क्योंकि जाते ही सो गया था। तो मैंने कहा चलो यार लेने चलते हैं, मज़ा आ गया यार। यार तुर्की शवारमा बहुत शौक से राखी इसको खाते हैं, बकाया अभी ये खा के तो दोबारा करने लगे हैं काम, तो फिर हमें होगी 8 बजे छुट्टी, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। हाँ जी तो बाबा जी अभी हो चुके हैं हम फ्रेश फुल फ्रेश, तो अभी वेलकम करते हैं, वेलकम हो गया सबका मेरे चैनल रोड साइड रोडी पे। माशाल्लाह वाज वाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये पागल हो गया, लेकिन हम अभी फ्रेश हुए हैं क्योंकि सोए हुए थे हम, तो उठ गए तो फिर पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। तो अभी हमें होने वाली है छुट्टी, शाम हो गई आप देख सकते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। मम्मू का दिल कर रहा था कि पेस्ट्रीज वगैरह लाओ, तो अभी हम पेस्ट्री वगैरह लेने जा रहे हैं, तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं दुकान पे। दुकान में अभी हम आ चुके हैं, ये सारी पेस्ट्रीज पड़ी हुई हैं इधर इस तरफ, ये ले लेते हैं जी, ये लेते हैं, ये सारी पेस्ट्रीज पड़ी हुई हैं लेकिन हमें ये पसंद आई है। इधर से पेप्सी भी हम पकड़ते हैं, साथ पेप्सी तो होनी चाहिए ना, तो पेप्सी भी ले लिया। तो मामू वो खड़े हैं तो अभी बिल वगैरह जमा करवा के चलते हैं। जी गाइस तो अभी पेस्ट्रीज वगैरह ले रही हैं, दुकान पे चलते हैं, मामू इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलते हैं फिर दुकान पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो बाबा इधर पेस्ट्री हमारी आ चुकी है। हाँ जी मजा आ गया बाबा जी। 2 hours later हाँ जी तो बाबा जी अभी दुकानें वगैरह बंद करके मैं आ चुका हूँ घर, क्योंकि अभी टाइम हो गया था हमारी छुट्टी का। तो जैसे मैं घर आया मुझे पता चला कि यार आज खाने में हमारी फेवरेट डिश बनी हुई है जो हमने पाकिस्तान से मंगवाई है। जी बिल्कुल हमने पाकिस्तान से मंगवाई है, हमारे पाकिस्तान से जो भाई आए थे इधर इराक के अंदर उनके लिए हमने साग मंगवाया था विद मक्खन मलाई। हाँ जी क्योंकि इधर साग नहीं मिलता और हमारा दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा साग खाने को, इसलिए हमने वहाँ से पाकिस्तान से मंगवाया विद मक्खन।
तो आज बाबा जी मज़ा आने वाला है फुल रोटी खाने का। पाकिस्तान की जो याद है वो ताज़ा हो जाएगी। तो अभी करते हैं थोड़ी सी रेस्ट, पहले वो फ्रेश होने चलते हैं, फिर फ्रेश हो गए उतनी देर तक रोटियाँ लेने भी जाएंगे, और फिर उतनी देर तक हमारा जो साग है वो भी बन जाएगा। तो अभी चलते हैं फ्रेश होने के लिए जी। तो मिर्चें वगैरह और लहसुन और अदरक जो है वो हम इधर काट के रख लिया है, थोड़ी देर तक मामू आएंगे तो वो तड़का वगैरह लगा लेंगे साग को। आई एम वेटिंग फॉर मामू। ए बाबा जी, तो अभी हमारा जो साग है मामू ने आके रेडी कर दिया था। तेरा मुंडा होना है उन्हें कहते पहला टाइम चीनी दे उत्ते पाग चाह दे चीनी पाग वेज मक्खन दी जंपी पाग चाह बांधे दे पहले। तो भी खाना वगैरह जो है वो खा लिया यार, मज़ा आ गया कसम से। पाकिस्तान से आया हुआ था साग, दिल खुश हो गया यार खा के। तो मैंने कहा अभी खाना वगैरह खा के तो चक्कर वगैरह लगाते हैं और थोड़ा सा जो है बात करते हैं। तो मैं इस तरफ आ चुका हूँ, मैंने कहा साथ वॉशरूम भी कर लेंगे। मज़ा आ गया कसम से, दिल खुश हो गया। उस भाई को दुआएं देंगे जो इधर ले के आया। पहले भी एक भाई को कहा था लेकिन वो नहीं ले के आया था, तो लेकिन इस भाई को कहा तो वो ले आया था। तो बगैर शाम हो चुकी है, तो वो सामने हमारे बिल्कुल सामने वो कैफ़े है। भाई कह रहे थे चलते हैं, मैंने कहा नहीं यार सुबह उठ के काम पे जाना है, चलो जुमे रात वाले दिन शायद जाएं शायद ना भी जाएं। अभी कपड़े भी लेने जाने थे लेकिन वो भी नहीं लेने गए भाई ने। भाई कह रहे थे आज चले, मैंने कहा नहीं यार आज दिल नहीं कर रहा, फिर किसी दिन चलेंगे। तो बकाया हमारे 500 जो सब्सक्राइबर हैं वो होने वाले हैं कंप्लीट, तकरीबन 50 सब्सक्राइबर जो हैं वो बकाया रह गए हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइबर जो हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। बकाया चक्कर वगैरह भी लग गए हैं और वॉशरूम वगैरह भी कर लिया है। तो अभी जाके रेस्ट करते हैं, सोते हैं, वीडियो भी एडिट करनी है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ। आप मुझे उम्मीद है आपको इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मिलेंगे एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।